बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी रेसिपी ज़रूर देखते होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ ब्लैक पेपर मायो सॉस की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो जी जनाब, चलते हैं हम अपनी रेसिपी की जानिब। हमने 250 ग्राम मायोनीज ली है, आप किसी भी कंपनी की मायोनीज ले सकते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून शुगर ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करते वक्त इसमें हम थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। मायोनीज की मिक्सिंग नहायत ही मुश्किल काम होता है। अगर आप आसानी के साथ इसकी मिक्सिंग चाहते हैं तो इसको जूसर मशीन में डालकर ब्लेंड कर सकते हैं। ये देखें गाइस, ये काफ़ी अच्छे तरीके से ब्लेंड हो चुकी है। ये इसका टेक्सचर चेक करें, ये देखें, ये मायोनीज स्पेशल बर्गर्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस मायोनीज को आप किसी भी किस्म के बर्गर में इस्तेमाल कर सकते हैं, अरेबिक बर्गर, जिंगर बर्गर। अब हम इसमें 1 पिंच फूड कलर शामिल कर लेते हैं और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ये देखें जी जनाब, ये देखें कितना अच्छा सा इसका टेक्सचर हो चुका है। ये देखें कितना खूबसूरत कलर लग रहा है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ आसान आसान रेसिपी शेयर करूं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए।